हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एटीट्यूड इज फंक्शंस एंड डेवलपमेंट, यानी कि एटीट्यूड का विकास कैसे होता है और क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं। एक बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक रहे हैं जिनका नाम है विलियम जेम्स, उनके प्रसिद्ध पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। उन्होंने कहा है कि द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माई जनरेशन इज दैट ह्यूमन बींग कैन ऑल्टर हिज लाइफ बाय ऑल्टरिंग हिज एटीट्यूड। By this quote itself, we can understand the importance of attitude. मात्र आपके attitude बदलने से आप अपने जीवन को बदल सकते हो। ये है importance attitude की। Interestingly, आपको एक बात बताता हूँ। Every individual is aware of her or his attitude. आपका अपना नजरिया, दृष्टिकोण या अभिवृत्ति कैसी है, हर इंसान को उस चीज का पता होता है। चलिए, नाउ लेट अस गो फॉर फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड के एटलीस्ट फोर बेसिक फंक्शंस होते हैं। पहला होता है एडजस्टमेंट, सेकंड ईगो डिफेंस, थर्ड नॉलेज, फोर्थ वैल्यू एक्सप्रेशन यानी कि समायोजन, अहम की रक्षा, ज्ञान और मूल्य जो जीवन मूल्य हैं उनको अभिवृत करना यानी अभिव्यक्त करना, जिनको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। नाउ लेट अस एक्सप्लेन वन बाई वन व्हाट डज इट मीन एंड हाउ डे रिलेट टू द एटीट्यूड। जस्ट से एडजस्टमेंट। एटीट्यूड इंस्ट्रूमेंटल इन हेल्पिंग द इंडिविजुअल्स इन एडजस्टिंग टू हर ऑब्लिक हिज इमीडिएट एनवायरनमेंट। आप देखेंगे कि आप नई क्लास में आए हैं, नई जगह पे आप गए हैं, नए शहर में आप गए हैं। इन दैट केस आप उस शहर में, उस जगह पर, उस क्लास पर कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे आप अपने आप को समायोजित करते हैं, ये पूर्ण रूप से डिपेंड करता है आपके एटीट्यूड पर। ये एटीट्यूड का एक फंक्शन है। दिस इज द फंक्शन ऑफ एटीट्यूड। नेक्स्ट आप देखेंगे ईगो डिफेंस। ईगो इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी कंपोनेंट दैट हेल्प इन मेंटेनिंग सेल्फ इमेज, डिग्निटी, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ आइडेंटिटी। एटीट्यूड हेल्प इन मेंटेनिंग द ईगो डिफेंस, यानी कि जो ईगो है, जो अहम है, वो हमारी डिग्निटी को, आत्मसम्मान को मेंटेन करने के लिए हमारा अहम बहुत महत्वपूर्ण है और उसको एटीट्यूड बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। यानी एटीट्यूड के माध्यम से ही हमारा ईगो डिफेंस जो है वो डिसाइड होता है। अब आगे नेक्स्ट देखेंगे आप नॉलेज यानी ज्ञान। एटीट्यूड आर इम्पोर्टेंट इन सेंसिंग एंड परसीविंग द वर्ल्ड अराउंड अस। दैट इज इट प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर सेल्फ यूज। साधारण सी भाषा में मैं आपको बताता हूँ कि जो आसपास हमारा संसार है उसमें जो ज्ञान बिखरा पड़ा है, उसकी जो नॉलेज है, वो दैट इज प्योरली द फंक्शन ऑफ एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड कैसा है वो इस बात पर निर्धारित करेगा कि आपका एनवायरमेंट कैसा है, और दूसरी तरफ आपका एनवायरमेंट कैसा है वो उसकी परिभाषा, उसका इंटरप्रिटेशन आपके एटीट्यूड पर निर्धारित करता है यानी निर्भर करता है। आप देखेंगे नेक्स्ट है वैल्यू एक्सप्रेशन यानी आपके जीवन के मूल्य, जैसे सत्य बोलना, ईमानदारी, बड़ों का सम्मान, माता पिता गुरुओं के चरण छूना, ये जो हमारी संस्कृति में जो वैल्यूज हैं इनका जो एक्सप्रेशन है, इट आल्सो इज अ फंक्शन ऑफ एटीट्यूड। आपका कैसा एटीट्यूड है उसी के माध्यम से आप अपने जीवन में इन वैल्यूज का एक्सप्रेशन करते हैं। अब आप देखेंगे वैल्यूज आर स्टैंडर्ड नॉर्म, स्टैंडर्ड होते हैं, मानक होते हैं, दैट गाइड द बिहेवियर। डिस्कस कर रहे थे वैल्यू एक्सप्रेशन की। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट, एटीट्यूड का विकास कैसे होता है, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। इट इज अक्वायर्ड एंड डेवलप थ्रू लर्निंग, इंटरप्रिटेशन एंड एक्सपीरियंस। एटीट्यूड हमें अपनी माँ से नहीं मिलता है। आपकी माँ से आपको आंखों का रंग, आपके बालों का रंग, आपके दांत, आपका शरीर की बनावट कैसी होगी, ये सब मिलता है, लेकिन एटीट्यूड नहीं। लेकिन हाँ, कुछ स्टडीज हुई है, कुछ साइंटिफिक स्टडीज हुई, वो कहते हैं कि एटीट्यूड जेनेटिक भी होता है, बट देर आर नो सब्सटेंशियल प्रूफ फॉर दिस कि एटीट्यूड जेनेटिक होता है। नाउ लेट अस सी एटीट्यूड। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जो कि हमारे एटीट्यूड के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबसे पहले देखेंगे एसोसिएशन यानी
पॉजिटिव एसोसिएशन। एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, बहुत सारे बच्चे अपने टीचर के साथ, जिस टीचर के साथ उनका पॉजिटिव एसोसिएशन होता है वो उसी विषय को चुन लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे हैं विषय को चुनने के लिए उनका क्या इंटरेस्ट है इस बात से ज़्यादा इस बात कर भी देते हैं कि जो अध्यापक है उसके साथ उनका कैसा एसोसिएशन है, और वही एटीट्यूड के निर्माण में सहायक होता है। नेक्स्ट देखेंगे बाय रिवार्ड और पनिशमेंट। बीएफ स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग के जनक, उन्होंने इसको बड़े अच्छे समझाया है कि रिवार्ड और पनिशमेंट के माध्यम से भी एटीट्यूड का महत्वपूर्ण विकास होता है। रिवार्ड आपके पॉजिटिव एटीट्यूड, पनिशमेंट किसी चीज़ के प्रति आपका नेगेटिव एटीट्यूड को विकसित करने में बहुत मददगार साबित होता है। कई बार उल्टा भी होता है, यानी कि रिवार्ड एंड पनिशमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड। नेक्स्ट देखेंगे हम थ्रू मॉडलिंग। प्रोफेसर अल्बर्ट बंडूरा एक बहुत महान वैज्ञानिक रहे हैं, मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की थ्योरी दी है। उनका बोबो डोल का एक्सपेरिमेंट आपको याद होगा, यानी कि हम ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, उसी प्रकार से ऑब्जर्वेशन के माध्यम से ही हमारे अंदर एटीट्यूड का निर्माण होता है। मॉडलिंग यानी कि हमारे रोल मॉडल क्या है, बहुत से लोगों के रोल मॉडल्स टीचर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, कोई बहुत बड़ा अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई खिलाड़ी, कोई फिल्म एक्टर, देयर आर लॉट्स ऑफ रोल मॉडल्स, तो उनके माध्यम से हमारे एटीट्यूड का भी विकास होता है। नेक्स्ट देखेंगे थ्रू ग्रुप और कल्चरल नॉर्म्स, यानी कोई समूह या सांस्कृतिक के स्टैंडर्ड्स के माध्यम से भी हमारा एटीट्यूड का विकास होता है। हम जन्म से किसी न किसी समूह के सदस्य होते हैं। हम हमारा परिवार के सदस्य हैं, वो एक समूह है। हम हमारे समाज के सदस्य हैं, हमारे गांव के, हमारे शहर के, हमारे जिले, हमारे राज्य, हमारे देश के हम सदस्य हैं। ये अलग अलग समूह हैं। कुछ हम अपने कल्चर है हमारा, उस कल्चर के कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनके माध्यम से भी हमारा एटीट्यूड का निर्धारण होता है और उसका विकास होता है। एक नेल्सन 2012 में उन्होंने एक स्टडी की है, वो बताते हैं कि एक्सपोजर टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना के, अगर आपको बहुत सारा एक्सपोजर दिया जाए, सूचना के सामने आपको भेजा जाए, तो उससे भी आपका एटीट्यूड का निर्माण होता है। आप देख रहे हैं एडवर्टीजमेंट का एक मीडियम है आजकल, प्रिंट मीडिया बड़ा बड़ा एडवर्टीजमेंट से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, यानी कि इस मीडिया से, इंफॉर्मेशन से हमारा एटीट्यूड भी बहुत सार्थक रूप से या दूसरी तरीके से इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम ग्रामेटिक एक्सपीरियंस, ट्रोमा और सिंगल इंटेंस इमोशनल एक्सपीरियंस। आलकोट 1970 में आलकोट ने बताया कि कुछ ड्रामेटिक एक्सपीरियंस हमारे जीवन में हो जाते हैं, ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस हो जाते हैं, यानी सिंगल इंटेंस इमोशनल एक्सपीरियंस हो जाता है। आपको एक अन्ना हजारे के बारे में आप बताना चाहूँगा। श्री अन्ना हजारे अभी गांधीवादी हैं, महाराष्ट्र के एक जिले के हैं, वो महाराष्ट्र में रहते हैं। वो पहले आर्मी में थे, ड्राइवर थे। एक बार उनकी पूरी टीम युद्ध के लिए गई, वार में कोई के लिए गई थी। उन्होंने देखा कि उनको छोड़कर उनके सारे साथी मारे गए, उनको एक इमोशनल एक्सपीरियंस, इंटेंस इमोशनल एक्सपीरियंस हुआ, और फिर उन्होंने छोड़ा कि देखो और ये कैसा जीवन है, जो साथी अभी तक हमारे साथ थे अब एक भी नहीं है। तो इस घटना ने, इस ट्रोमा कह लो, इमोशनल एक्सपीरियंस कह लो या ड्रामेटिक एक्सपीरियंस कह लो, इसके बाद उन्होंने आर्मी से रिजाइन दिया और अब वो एक समाज सुधारक, सोशल एक्टिविस्ट बने हुए हैं, तो समाज में भली बुराइयों को दूर करने में पूरा एफर्ट लगा रहे हैं। तो ये था एक इस तरह से ड्रामेटिक एक्सपीरियंस या ट्रोमा और सिंगल इमोशनल एक्सपीरियंस के माध्यम से हमारे एटीट्यूड का निर्माण होता है। फिर कुछ और हम देखेंगे, कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ कारक हैं जो हमारे एटीट्यूड के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे फैमिली एंड स्कूल एनवायरनमेंट। आपका परिवार कैसा है और आपका जो स्कूल का वातावरण वो कैसा है, ये भी आपके एटीट्यूड के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रेफरेंस ग्रुप यानी आपका रेफरेंस ग्रुप कौन सा है, किसकी ग्रुप की आप बात मानते हैं, किसकी बात को आप अहमियत देते हैं, पीयर ग्रुप जैसे आपका है, ये सारी चीज़ें आपके एटीट्यूड के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और काफ़ी महत्वपूर्ण काम भी करते हैं। फिर देखेंगे पर्सनल एक्सपीरियंस, ये मैंने आपको पहले बताया कि किस तरह से आपके व्यक्तिगत अनुभव, कई बार हम अतिरिक्त रूप से अनुभव करते हैं तो वो हमारे एटीट्यूड के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कारक का रोल निभाते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस आप देखेंगे कि कैसे जब आप जीवन में आने वाली घटनाओं के माध्यम से जब खुद एक्सपीरियंस करते हैं तब आप अपने
अपने एटीट्यूड के निर्माण में, कितने देखें आप एटीट्यूड कैसा बनाते हैं। फिर आप देखेंगे मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंस, यानी मीडिया से संबंधित आपके ऊपर कितना प्रभाव है मीडिया का, उससे भी आपके एटीट्यूड में काफ़ी अंतर आता है। फिर देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट एंड फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, यानी कि बेरोजगारी और फाइनेंशियल रूप से अगर आप किसी पर डिपेंड है तो ये भी आपका एटीट्यूड के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कारक है, यानी बेरोजगारी भी एक महत्वपूर्ण कारक है। तो इस तरह से हमने आपको देखा और बताया कि एटीट्यूड क्या है, उस एटीट्यूड के क्या क्या फंक्शंस हैं, उस एटीट्यूड किस तरह से विकास होता है उसका, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि आपके एटीट्यूड के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सोशल साइकोलॉजी का पार्ट है, BA 3 यूनिट 2 सेकेंड सेमेस्टर 3 कह लो आप, यूनिट 3 है ये। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है, मैंने आपको बताया। अगर आपको इसमें से कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरी क्लास आप अटेंड कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।